हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई नो मेरे जैसे आप भी घर की सेटिंग में ही लगे रहते होगे। एक्चुअली अगर घर साफ और सुंदर दिखे ना तो मन अपने आप ही खुश रहता है। मुझे खुद को बहुत सिंपल और मिनिमलिस्ट सा डेकोर पसंद आता है क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा कुछ अभी मुझसे मैनेज नहीं होगा। तो इसलिए जब हम न्यू घर में शिफ्ट हुए तो मैंने बहुत सिंपल सी ही आइटम्स में इन्वेस्ट किया जो मुझे सूदिंग सा एटमॉस्फेयर दे सकें, जहां मैं आराम से कंफर्टेबल हो सकूं। इस वीडियो में मैं ऐसी ही कुछ आइटम्स आपके साथ शेयर करने वाली हूं। सबसे पहले तो ये बहुत सुंदर सी विंटेज क्लॉक, ये मैंने अपने बेडरूम में लगाई है। ये हैंड पेंटेड है और इसका डिजाइन बहुत ही एलिगेंट लगता है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये मेरी वॉल के साथ मैच भी हो गई। क्वालिटी की बात करूं तो अमेजिंग। सेकेंड है ये डबल साइडेड आयरन वॉल क्लॉक जो मैंने ड्राइंग डाइनिंग स्पेस के लिए ली और वहां पर बेस्ट लगी। इसका लुक सच में बहुत ही रॉयल आया। एक ली मैंने ये रस्टिक सी मेटल वॉल डेकोर जो अपनी एंट्री के लिए प्लान की थी। उसका साइज अराउंड 16x5 इंच है और मुझे सेट ऑफ 2 मिली थी। क्योंकि मेरे डेकोर में मैंने ब्लू सा कलर यूज किया था तो ये परफेक्ट रही। ये ट्रेडिशनल क्लासी मॉडर्न मिक्सर लुक देती है और मुझे तो बहुत पसंद लगती है। मैट्स तो घर में यूज होते ही हैं, लिविंग एरिया में ये डेकोर का पर्पस भी सॉल्व करते हैं। सब टेबल्स और कॉर्नर्स पर अगर सुंदर सा मैट हो ना तो वो जगह और अच्छी लगती है। मैंने बहुत तरह के मैट्स मंगाए थे, उन्हें यूज भी करके देखा, पर ये मैट्स आज तक के मेरे बेस्ट बायस में से रहे। और सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये थी कि ये मेरी डेकोर से भी मैच करते थे। आई थिंक ये सभी तरह के डेकोर से मैच करेंगे। इनका कलर जैसे ग्रे सा, बेज सा, तो वो बहुत सुंदर लगा। किसी भी कॉर्नर को अगर हाईलाइट करना हो तो शेल्व्स बेस्ट सोल्यूशन है, और किसी भी घर में फ्लोटिंग शेल्व्स तो होनी ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। छोटे छोटे डेकोर के आइटम्स रखे जाते हैं, चाहे आप प्लांट्स रख लो। ये वाला फ्लोटिंग शेल्व्स का सेट मैंने अमेजोन से लिया था, मेरा कॉर्नर भी इनसे अच्छे से हाईलाइट हो गया। विद टाइम मैं इनमें डेकोर पीसेस चेंज करती रहती हूँ तो नया सा लुक आता रहता है। मुझे तो अपना घर इनकम्प्लीट लगता है अगर आसपास मोटिवेशनल और एनकरेजिंग सा सेटअप ना हो। इसमें सबसे ज्यादा काम आता है कुछ इस तरह की कोटेशंस का डेकोर। किचन में किचन के स्टाइल का, जैसे व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन्स एट यू मेक लेमनेड। वर्क टेबल के ऊपर कुछ ऐसा सा कीप गोइंग, ये तो मेरा फेवरेट वाला है। कभी कभी थोड़ा सा उदास हो जाऊं तो बस ऊपर देखने लगती हूँ और फिर से शुरू हो जाती हूँ काम में। एक ये तू मेरा राखा, यू आर माई प्रोटेक्टर, वाई शुड आई फील फियर और एंग्जाइटी। वाओ, प्लांट्स सबको पसंद होते हैं तो इनको जरूर रखिए घर के अंदर। मैं अभी ज्यादा लाइव प्लांट्स नहीं रखती क्योंकि मेरी डॉटर नहीं तो सारा दिन पानी देती रहेगी या फिर इनकी जगह को चेंज करती रहेगी, तो मिक्स करके ही अभी तो मैं रखती हूँ, कुछ लाइव तो कुछ आर्टिफिशियल। और ये देखिए, प्लांट रखते ही जगह कितनी लाइवली सी लगने लगती है ना। ये प्लांटर्स भी मैंने अमेजोन से लिए थे और मुझे इन्हें यूज करते ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो चुके हैं, आज भी इनका लुक बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट टारगेट था मेरा इस एमसीबी को कवर करना। मैंने बहुत कुछ सोचा, फिर अमेजोन पर ऐसी पेंटिंग देखी जो इस तरह की थी, उस बोर्ड पर आराम से फिट आ जाएगी, साइज भी मैच हो रहा था, इसकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी ही लगी, प्रिंट भी लाइवली सा था, तो पर्पस मेरा तो अच्छे से सॉल्व हो गया। तो आप इसमें भी जरूर इन्वेस्ट करके देखिएगा।
के साथ साथ साइड टेबल तो बहुत काम आते हैं। आप बिलीव करोगे, ये साइड टेबल मैंने 999 में लिए थे और इंस्टॉलेशन फ्री में हुई थी। अगेन इनको यूज करते मुझे 2 ईयर्स हो चुके हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद है, किसी भी कॉर्नर में सेट हो जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं, लुक तो इनका अच्छा है ही। एक है ये किचन टाइल स्टिकर्स। मेरी टाइल्स बहुत ऑफ सी थी और मुझे थोड़ा सा कलर ऐड करना था। पूरी टाइल्स चेंज करना मेरा सलूशन नहीं था, तो मैंने ये टाइल स्टिकर्स अमेज़न पर देखे तो थे, पर मैं थोड़ी रिलक्टेंट थी कि कैसे निकलेंगे, लेकिन इन्होंने मुझे पूरा सेटिस्फाई किया। बहुत ही सुंदर, क्वालिटी परफेक्ट और लुक मुझे बहुत पसंद आया। लास्ट ये वुडन हैंड क्राफ्टेड अगरबत्ती होल्डर, थोड़ी सी घर में फ्रेग्रेंस के लिए। अगरबत्ती मैं ऐसी लेती हूँ जो सही इंग्रेडिएंट से बनी हो और जब मैं लाइट करूँ तो मेरी जगह पूरी वेंटिलेटेड हो, इसका ध्यान आप भी रखिएगा। इसकी हल्की हल्की फ्रेग्रेंस मेरे लिए बहुत सूदिंग और अपलिफ्टिंग सी होती है, घर में मुझे शांति सी भी लगती है। सो आई होप आपको ये मेरे कुछ आइटम्स और घर पे सजे हुई चीज़ें पसंद आई होंगी। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।